भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के लठिया गांव में पुल के नीचे 44 वर्षीय अधेड़ का शव पाया गया है। शनिवार की सुबह करीब 6 बजे पुल के नीचे नहर में शव पाए जाने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। मृतक की शिनाख्त गोपीगंज के सराई मिश्रानी गाँव निवासी संतोष कुमार पुत्र सितेजधर मिश्रा के रूप में हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। पूरा मामला चौरी थाना क्षेत्र के लठिया गाँव का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि शनिवार की सुबह ग्रामीणों की नजर पुल के नीचे पड़ी तो एक शव दिखाई पड़ा। पुल के नीचे पानी भरे नहर में शव पाया गया है। शव मिलने की जानकारी होते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। शव की शिनाख्त गोपीगंज के सराई मिश्रानी गांव निवासी 44 वर्षीय संतोष कुमार पुत्र तेजधर मिश्रा के रूप में हुई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अधेड़ की मौत कैसे हुई, शव पुल के नीचे कैसे आया, क्या किसी ने हत्या करके शव को पुल के नीचे फेंक दिया है। बहरहाल जांच पड़ताल के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। उधर सुबह सुबह पुल के नीचे शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। चौरी थाना क्षेत्र के लठिया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।